नमस्कार, मैं सुशीला राय डिमरी, रोज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत का खान पान पूरी दुनिया में मशहूर है। अलग अलग राज्यों की संस्कृति और खान पान सब अलग अलग भी हैं और कुछ कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। आज मैं राजस्थानी व्यंजनों की खोज के साथ साथ इनके शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, राजस्थानी भोजन ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं। राजस्थानी मारवाड़ी लोग प्याज और लहसुन में भी परहेज रखते हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हरी सब्जियों की कमी के कारण राजस्थानी व्यंजनों में घी, दूध, छाछ, बेसन, सूखी लाल मिर्च और केर सांगरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं, जो कच्चे केर के फलों और सांगरी की फलियों से बनाए जाते हैं। दोस्तों, मीठे व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा आमतौर पर मुख्य भोजन में शामिल किए जाते हैं, जिनमें दाल, गेहूं के पकौड़े और मीठे अनाज का मिश्रण होता है। इसी तरह राजस्थानी मांस व्यंजन जैसे सूली कबाब और जंगली मांस मैरिनेटिंग और बारबेक्यूइंग तरीके से तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार एक खाद खरगोश व्यंजन है, जिसमें मसालों से भरे खरगोश को कोयले के गड्ढे में धीमी आंच पर पकाया जाता है, जो एक पुरानी पारंपरिक कला है। दोस्तों, राजस्थानी व्यंजनों में सूखे लाल मिर्च का भरपूर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ की खेती और तीखे मसालेदार स्वाद यहाँ के प्रति इनकी पाक कला के हुनर और पसंद को दर्शाते हैं। इस वीडियो में मैंने राजस्थान के खान पान और कुछ खास व्यंजनों के बारे में बताया है। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोज की रसोई।